के पापा ने क्या गिफ्ट किया। बहुत वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम निकाल करके, क्योंकि प्रिंसेस जो है वो सो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर दिया जाए। आपको पता है चटियार के बाद से गिफ्ट सारे रखे हुए हैं और मासी ने, खास करके प्रिंसेस की जो मासी हैं, दो मासी हैं प्रिंसेस की, उन दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भिजवाए हैं। और प्रिंसेस के पापा ने भी बहुत ही यूनिक गिफ्ट दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारे लोग आए थे, जैसा कि आप लोगों ने चटियार का ब्लॉग तो देखा ही, जिसमें आप लोगों ने देखा कि फैमिली के इतने सारे मेंबर्स आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि मौसम की वजह से नहीं आ पाए, मौसम बहुत ख़राब था उस दिन का, तो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, आप जो भी गिफ्ट देखना, बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया। मतलब मैं तो जो मासी ने भिजवाया है वो सब ऑनलाइन आया, और ऑनलाइन आया है और मैंने उसको कुछ खोल करके देखा, कुछ खोल करके नहीं भी देखा, तो वो सारे ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मुझे जो खुले हुए थे वो तो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिसको मैंने पर्सनली, मुझसे नहीं रहा गया तब मैंने ओपन कर दिया और वो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूरे ब्लॉग में आप बने रहना और गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो ये वीडियो है उसको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दो। और भी कई सारे ऐसे वीडियो हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली रूटीन वाला भी वीडियो आपको, प्रिंसेस के साथ मेरा टाइम कैसे स्पेंड होता है, मैं दिन भर क्या करती हूँ अब, क्योंकि पहले तो मेरा टाइम कटता नहीं था, लेकिन अब मेरा टाइम यूँ ऐसे निकल जाता है, मुझे खुद नहीं पता होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। विश्वास नहीं करोगे, मुझे दिन रात उसका कोई भी अंदाज़ा अभी नहीं लग पा रहा है। बस मैं किसी तरह टाइम निकाल रही हूँ, ताकि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि गिफ्ट अनबॉक्सिंग का आपके साथ वीडियो शेयर करूँ और सारी चीज़ें दिखाऊँ। तो चलिए वीडियो में आगे, पूरे एंड तक वीडियो में बने रहना और एक एक करके मैं दिखाती हूँ कि किसने क्या कुछ गिफ्ट दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है छठियार में जो मासी ने गिफ्ट दिया है वो तो काफ़ी सारे हैं, वो मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको। लेकिन जो बड़ी माँ हैं प्रिंसेस की, जो बड़ी माँ है, जो मतलब जेठानी है मेरी यहाँ पर, जो दिल्ली में मेरे साथ रहती हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया। उन्होंने इतना अच्छा प्यारा सा, ये देखो, ड्रेस दी है। ये इतने सारे ड्रेस हैं, इसमें निक्की भी आई थी और निक्की ने भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस दिए हैं। ये ड्रेस जो है, ये देखो, क्योंकि येलो छठियार के दिन पहनते हैं, तो इतना क्यूट सा उसने ये ड्रेस लाया है प्रिंसेस के लिए, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत बहुत। ये देखो, बहुत ही प्यारा है ये, मतलब इतना सुंदर है ये कि मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर ये है, और भी निक्की लेकर के आई है, निक्की तो बहुत सारा लेकर के आ गई, मतलब क्या कहा जाए। वो तो जो अभी ना भी पहने हो उसने वो भी, और ये देखो, ये कितना प्यारा सा है, बहुत ही क्यूट सा है ये, बहुत ही सुंदर सा। ये देखो, उस दिन इतना मौसम ख़राब था, लेकिन फिर भी वो लड़की बिल्कुल किसी की नहीं सुनी, वो गई पूरा ड्रेस वगैरह खरीद करके प्रिंसेस के लिए ले आई। भाभी ने जो दिया है वो ये है, ये बहुत ही क्यूट सा है, मैं एक मिनट, यू छोटू छोटू सा है, ये देखो, और इसके सेट भी हैं, ये इसके कैप वगैरह भी हैं, वो मिल नहीं रहे मुझे, मैंने इधर उधर कहीं रखा है। ये बहुत ही प्यारा है, मुझे लगा गिफ्ट, बहुत ही थैंक यू सो मच निक्की और भाभी। और ये देखो, ये ब्लैंकेट है, क्यूट सा ब्लैंकेट है ये, इसमें बहुत अच्छे कोट्स भी लिखे हैं, आई लव यू, आई लव यू टू। तो ये जो है, ये देख रहे हो आप, ये गिफ्ट निक्की और भाभी की तरफ से आया है। ये गिफ्ट जो है,
ये एक और भाभी हैं जो यहीं रहती हैं मेरे घर के जस्ट पास में, वो है उन्होंने दिया है मानवीय परी। तो इसको खोल करके हम देखते हैं, एक तो मुझे गिफ्ट खोलना बहुत पसंद है। में जन्म लिए तो सबको ही ठंड के हिसाब से उन्होंने दिया है सब लोगों ने। वाओ दिस इज नाइस, ये देखो बहुत ही प्यारा है ये इस तरीके का है, पूरा सेट है ये, और ये कुछ गिर गया, ये है पिंक पिंक कलर का मेरी प्रिंसेस के लिए, ये बहुत ही प्यारा है। और ये है ब्लैंकेट है, इसके इतने सारे ब्लैंकेट हो गए हैं, इतने ब्लैंकेट हो गए हैं, ये स्वेटर टाइप में है, बहुत ही क्यूट सा है ये, बहुत ही प्यारा है, चेरी लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा है। इसको आप बेबी को लेकर के और कहीं बाहर जा सकते हो ठंड में, बहुत ही सुंदर सा है ये। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत ही प्यारा लगा मुझे आपका गिफ्ट। इतने सारे गिफ्ट हो गए हैं, अरे वाह ये बहुत प्यारा है, ये देखो पूरा सेट है, ये पूरा सेट है। और प्रिंसेस मेरी रो रही है तो मुझे बीच में लग रहा है कि वीडियो स्टॉप करके और मुझे जाना पड़ेगा उसके पास, तो पहले हम चलते हैं प्रिंसेस के पास आई थिंक। तो ये पूरा सेट है, बहुत ही प्यारा सा सेट है। आ जाओ बेटा आ जाओ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज करूँगी और उसके बाद अब पहले प्रिंसेस को देख लेती हूँ और उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। सो गाइस मैं आ गई वापस प्रिंसेस को सुला करके, क्योंकि वो उठ गई थी और उसको फीड करवाना था मुझे, तो वो बस अभी थोड़ी देर सोई है। और मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारे गिफ्ट दिखा करके और फिर मैं ब्लॉग को एंड करूँ, क्योंकि प्रिंसेस कभी भी उठ जाती है और मुझे उसके पास जाना होता है तुरंत। सो अब बारी आती है और मेरे पास गिफ्ट है, चेरी एंड बनी, वाह सो नाइस, ये है बिल्कुल पिंक कलर में, ये देखो ये है, वाह इसके शूज भी हैं, इसमें विंटर के क्लोथ्स हैं, सारी चीजें हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखो आप नजदीक से, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही सुंदर सा है ये पिंक कलर, लड़कियों का फेवरेट ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि पिंक कलर फेवरेट होता है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर तो ब्लैक है, ब्लू है, वाइट है, ऐसा है। हाँ अब आती है बारी मासी की, मासी ने जो 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 चीज़ें भिजवाई है उसने हर एक चीज़ भिजवाया, मतलब आप सोचो कि ऐसा एक भी चीज़ नहीं है जो बेबी की नीड होती है और वो चीज़ उसने नहीं भिजवाया है। मैं स्टार्ट करती हूँ पहले बेबी कैरी बैग से, उसने ये भिजवाया है, बहुत ही प्यारा है, आपको दिखाती हूँ, ये नेट के साथ है, ये देखो ये बेड है, इतना सुंदर ये मुझे लगा, एक तो कलर कॉम्बिनेशन इसका मुझे बहुत प्यारा लगा, ब्लू एंड वाइट जो कि मेरा फेवरेट है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और ये बहुत ही सुंदर सा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं इसमें आज बेबी को सुलाई हूँ, मैं वो भी वीडियो लगा दूंगी थोड़ा सा कि कैसा दिख रहा है, वो भी आपको देखना बनता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये है। फिर उसके बाद सेम उसी कलर में उसने ये है जिसमें बेबी को हम वो करते हैं, कैरी करते हैं इसको यूं ऐसे करके, मतलब उसने हर एक चीज भिजवाया है,
ये मेरे से, हाँ मैं भी न्यू मॉम हूँ तो मुझे भी समझने में टाइम लग जा रहा है। ये है, ये देखो कितना क्यूट सा है ना, ये बहुत ही प्यारा सा है। इसमें आप बेबी को कैरी करके आराम से ले जा सकते हो, ला सकते हो, बहुत ही क्यूट सा है। और ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर सा लगा। ये है, अच्छा अब आते हैं बुलंद में, जिसमें इसमें ये शर्ट, ये स्वेटर भिजवाया है उसने। ये हूँ इसको ऐसे करके आप बेबी को कैरी कर सकते हो। ये देखो एकदम रैबिट की तरह ये दिखता है, बहुत ही क्यूट सा है ये। ये है इसमें भी दो कलर है, इसमें दो कलर करके भिजवाया, एक पिंक कलर है और एक ब्लू कलर है। बहुत यार, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसको इतनी सारी जानकारी हुई कैसे। उसने खूब मेहनत किया है, खूब रिसर्च किया है उसने। और फिर उसके बाद मैं जल्दी भी दिखा दे रही हूँ, बाद में मैं इसे ठीक करूँगी क्योंकि अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो इसलिए उसने फिर भिजवाया है ये देखो, कितने छोटू छोटू सा मिंटेज हैं, कैप हैं इसके, बूटीज हैं। ये देखो क्यूट सा, ये वाइट कलर में ये बूटीज और ये उसके मिंटेस हैं। एक वाइट कलर में है, एक यूं ये ब्लू कलर में है। ये देखो कितने प्यारे से हैं ये बूटीज हैं उसके, क्यूट से। ये हाथ में पहनने वाले हैं मिंटेस और ये कैप। अच्छा उसने ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है, फर्स्ट क्राई और अमेजोन उससे ऑर्डर किया है उसने। उसने बेबी के लंगोट तक भिजवाए हैं, जो कि डायपर तो उसने भिजवाया ही भिजवाया, उसने लंगोट भी भिजवाया है। ये देखो इतने सारे हैं, इतने सारे उसने लंगोट भिजवाया है, मतलब मानना पड़ेगा मुझे। उसने हर एक चीज़ रिसर्च किया और उसने भिजवाया। उसने बहुत क्यूट क्यूट से ब्लैंकेट भी भिजवाए हैं। एक जो मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर का है वो, और भी ब्लैंकेट है वो भी दिखाती हूँ। उसने एक प्यारा सा ब्लैंकेट भिजवाया है, ये बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे, ये कलर बहुत प्यारा लगा क्योंकि रेड येलो ग्रीन ये सब तो चलता है, लेकिन ये कलर उसने भिजवाया। उसके साथ ये है, ये टॉवल है, क्यूट सा क्यूट सा ये टॉवल है। ये देखो ये दोनों साथ में आए थे। अब उसने स्वेटर भिजवाया है बोलने का, ये देखो पिंक और ग्रीन कलर में, इसमें भी सब कुछ साथ में है, स्वेटर कैप पैंट टोपी हाथ में पहनने वाले बूटीज सारी चीज़ें हैं इसमें। दो कलर में भिजवाया है। उसके बाद ये ड्राई शीट भिजवाया है उसने, एक है इस कलर में और एक है ब्लू कलर में। फिर उसने टॉवल भिजवाया है, ये है पिंक कलर का टॉवल, इसके साथ दो और टॉवल हैं ब्लू कलर में और एक है येलो कलर में। हाँ तो ये टॉवल उसने भिजवाया है, ये भी बहुत क्यूट सा है। उसने कपड़े भिजवाए हैं, ये देखो इतने सारे हैं। ये तो वो है इनर वेयर, क्योंकि वो कह रही थी कि ठंड दिल्ली में बहुत होती है तो इसलिए इनर वेयर उसने ऐसा भिजवाया। उसके बाद ये है, ये विंटर की कैप और इसमें पैंट है, स्वेटर है, दो दो पैंट है इसमें, ये भिजवाया। दो तो बेबी पहन रही है अभी, क्योंकि एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर में है तो वो बेबी पहन रही है। अच्छा अब बारी आती है कि प्रिंसेस के पापा ने क्या गिफ्ट दिया। बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है उन्होंने। ये है मेरे हाथ में, क्या गिफ्ट है आप सोचो एक बार कि ये मेरे हाथ में क्या गिफ्ट है ऐसा।
ऐसा क्या कुछ यूनिक है जो ये मेरे हाथ में है, बहुत ही सुंदर सा है। मैंने मतलब सोचा नहीं था वो गिफ्ट है, तो ये गिफ्ट है ये। उन्होंने एक चेन, ये चेन प्रिंसेस को गिफ्ट किया है, बहुत ही प्यारा सा ये है, बहुत ही क्यूट सा है। इसको मैं पहन लूँगी फिलहाल अभी, और फिर उसके बाद जब प्रिंसेस बड़ी हो जाएगी तो वो पहनेगी। तो ये है, इसके बॉक्स मैंने निकाल करके अंदर रख दिए थे तो इसलिए मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ा। तो ये बहुत ही सुंदर है, इसके डिज़ाइंस वगैरह भी बहुत ही प्यारे हैं। ये देखो, तो ये सारे गिफ्ट हैं और बस ये छोटा सा एक गिफ्ट अनबॉक्सिंग रहा। बाकी हो सकता है तो कुछ सामान मुझसे छूट भी गया हो, क्योंकि बहुत सारे सामान थे और प्रिंसेस ने तो कुछ कुछ पहनना भी स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए बहुत सारे गिफ्ट जो हैं, मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि फिर से वो उठना गई हो, तो इसलिए मुझे ब्रेक ले ले करके थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है अभी। तो ये छोटा सा अनबॉक्सिंग कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि चटियार में क्या कुछ मिला है, तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये पूरा रूम बिखर चुका है मेरा, अब इसको सही करना है। प्रिंसेस के पापा हैं, वो सही करेंगे, क्योंकि मुझसे अभी ये सारे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अब सही करेंगे। और बस एक छोटू सा ये अनबॉक्सिंग रहा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत जल्दी मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलने वाली हूँ, और भी कई कई, हाँ, और सबसे पहले मैंने जो कहा आपसे कि मैं अपनी प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड कैसे करती हूँ, वो भी होल डे ब्लॉग लेकर के आऊँगी, कि पूरा एक दिन का वो ब्लॉग रहेगा, मैं क्या कुछ करती हूँ उससे, कैसे उसकी केयर करती हूँ, कैसे उसे संभालती हूँ, उसके साथ पूरा दिन कैसे मेरा बीतता है, वो सारी चीज़ें उसमें रहेगी। तो सभी लोगों को बाय, क्योंकि प्रिंसेस फिर से उठ गई है। और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, लव यू ऑल।